जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप काज रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। फरीद भाई मेरे साथ हैं, साथ ही हैं। ये थोड़े से इधर हो जाएं, नज़र नहीं आ रहे आप इधर थोड़े। अब ठीक है, अभी गर्मी आ गई है, लाइट्स नहीं उधर से, अंधेरे में नहीं नजर आ रहा। धूप पड़ती है यार इस्लामाबाद में, तो लोग कहते हैं कि आप बर्गर बॉयज होते हैं, धूप नहीं पड़ती यार। किसने कहा बर्गर होते हैं? ये आपके सामने नजर आ रहा है यार। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों से एक नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, और हमारा नया प्रोजेक्ट जी आपके सामने है कल्टस का। और कल्टस में हमने रिम्स तो सबसे पहली लगा दी हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। इसमें हमने इंजन ऑटोमेटिक करना है, पावर विंडोज़ करनी है, पावर स्टेयरिंग करना है, साइड मिरर्स जो है रिट्रैक्टेबल करने हैं। बाकी ये है कि छोटी मोटी और छोटी मोटी चीज़ें, हाँ एसी का काम होगा, हीटर का काम होगा, और इसको साफ़ सफाई करेंगे। गाड़ी को बहुत ही एक आउट क्लास लुक देंगे। और ये हमारे ही एक क्लाइंट है जो पहले भी हमसे एक अल्टो बना चुके हैं, उन्हीं की गाड़ी। खावर भाई देख रहे होंगे आप हमें, तो उनकी गाड़ी है, उनके लिए बना रहे हैं दोबारा से। उनका ऑर्डर मिला है कि भाई हमें गाड़ी बना के दो, इस दफ़ा कल्टस बना के दो। अल्टो की तो बड़ी तारीफ हुई है, तो कल्टस अब हम उनको बना के दे रहे हैं। और इंशाल्लाह इसकी डेकोरेशन वगैरह भी करेंगे। गाड़ी को बहुत ही प्यारी सी लुक देंगे, इंशाल्लाह डिसेंट सी लुक देंगे। अभी भी गाड़ी आप देख रहे होंगे, हमने इसको रिम टायर्स लगाए हैं, गाड़ी चमक रही है, ठीक है। तो अभी तो इसको और भी हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है, इंजन लगेगा, इसके अलावा हमने इसके शीशे वगैरह टिंट कराने हैं। इसमें बहुत सारी और चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि यार ये हैंडल्स जो हैं ब्लैक जो हैं, इसको वाइट करके दे दें, ठीक है। तो फिटमेंट इसकी सेट करनी है, टायर्स ये रिम टायर्स के साथ गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। तो ये कुछ सीन है। इसके अलावा मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मार्गला का आपको मैं बताता हूँ कि मार्गला में हम कौन सा इंजन डालें। तो भाई चलें आपको दिखाते हैं, जी मार्गला में हम इंस्टॉल कर रहे हैं K3 बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ। कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई, किसी किस्म की भी अल्ट्रेशन नहीं की, देख रहे होंगे गाड़ी जेन्युइन गाड़ी थी। इस वजह से मेरा दिल भी नहीं कर रहा था यार कि इसमें कोई काट पीट हो कुछ हो, तो हमने जेन्युइन फिटिंग्स के साथ इंजन लगाया है। और इंजन आप देख रहे होंगे कैसे बैठा हुआ है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो कि अब ये जिस तरह ऑयल स्टिक है थोड़ा लंबा है, तो इसको हम कोई दूसरा अल्टरनेट सोचेंगे लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। इसको एयर क्लीनर भी, जो जेन्युइन एयर क्लीनर है होगा, वो नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर बॉनेट लगाना है, हमने हुड लगाना है, तो उसके लिए भी हम कुछ करेंगे। एयर जो आफ्टर मार्केट एयर क्लीनर होता है वो लगाएंगे इसको, ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट भी करना है। एक्सेल्स अभी मैंने जैसे आप लोगों से कल कहा था कि एक्सेल्स बनने गए हैं, तो अभी तक आए नहीं हैं, जैसे ही आते हैं तो वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी इसमें और भी फिनिशिंग होगी, अभी तो गाड़ी खुली हुई है इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलें आप लोगों से शेयर किया जाए मार्गला का भी, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह जैसे ही रेडी होती है इसको हम स्टार्ट करते हैं, और आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे इंजन की वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाएंगे कि वाइब्रेशन है कि नहीं है गाड़ी में, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है मार्गला का, ये भी पहला प्रोजेक्ट है, तो बहुत ही मज़े का होगा। लेकिन इंशाल्लाह कल्टस का प्रोजेक्ट जो होगा ये हमारा बहुत ही मज़े का होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सीन है। इसके अलावा जनाब मैंने आपको बताया था खैबर का, तो खैबर की भी ये साइड भी कंप्लीट हो गई है, और मंजाइयाँ मेरे ख्याल से उस्ताद ने इस साइड की शुरू कर दी हैं। ये साइड की मंजाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं, सुबह उस पर काम करेंगे। बाकी इसके छत में कुछ डेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी सुबह निकालने हैं हमने। छत को सेट करना है, वो बहुत ही टेढ़ी हुई हुई है, छत सेट करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि ये गाड़ी भी रेडी होगी, तो अभी इंतज़ार बस सिर्फ एक्सेल्स का है कि भाई एक्सेल्स आए मार्गला के, तो फिर उसमें एक्सेल्स लगा के इंजन ऑयल गियर ऑयल डाल के तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, और आगे की वीडियोस देखनी है, रमज़ान की भी इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा है, वो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये जो महीना होता है साल में एक दफ़ा आता है, बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि यार हमें एक दफ़ा फिर रमज़ान की जो रौनकें हैं, बरकतें हैं, वो हमें नसीब हो रही हैं। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़िंदगी की जो बाजी होती है वो हार बैठते हैं, वो अगला रमज़ान नहीं देख पाते। तो ये हमारी बड़ी ही खुश नसीबी है, और हमारे लिए जो है ना ये एक मौका है कि हम इसको हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, ठीक है। ये मेरे लिए भी है, आप सब के लिए भी है। तो इंशाल्लाह
अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें अपने रास्ते पे चलने की हमें हिदायत दे, ये इन भाई को भी हिदायत दे, या आपके सामने वो देखें बैठे हुए तो इनको भी हिदायत दे। अच्छा, पीछे से इसमें आप देख रहे होंगे गाड़ी की जो लुक बनी है ना रिम टायर्स के साथ, वो है ही अलग, ठीक है। तो ये जो रिम टायर्स हैं ये आजकल फैशन है, आजकल जो इनका ट्रेंड है, हमने खैबर में भी लगाए थे, और बाकी इसको हम करेंगे और मज़ीद इसमें जो काम शाम करेंगे तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। ये जी एक्सेल आ गए तो वो लगा रहे हैं हम, ठीक है, लगा के फिर इसमें इंजन ऑयल गियर ऑयल डाल के स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, देखते हैं कि क्या सीन है। निकले हुए हम इस वक्त टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं अल्टो VXR की, जो हमारा सिल्वर कलर का प्रोजेक्ट है उसकी टेस्ट ड्राइव ली जा रही है, देख रहे हैं। और आज पहला रोज़ा भी है, रमज़ान शुरू हो गया है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा गुजर है, बड़ा ही टाइम का पता ही लग रहा, तकरीबन क्या टाइम हो गया है, 4 बज गए, कहीं भी आप बताएं रोज़ा कैसा। बस आज का तो अच्छा गुजर गया, रात बारिश भी हुई थी, तो पता ही नहीं चला, पता नहीं चला। तो खैर, लेकिन ये कि ज़्यादातर धूप रही नहीं रही, मेरे ख्याल से ठंड थी, तो अभी तकरीबन कुछ ना कुछ है ना धूप निकली है, और लेकिन हवा ठंडी थी, हवा महसूस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है इसमें हमने इलेक्ट्रिक पैडल वाला जो इंजन है वो इंस्टॉल किया था, 660 cc K6A में, और बाकी गाड़ी पिक वाइज गाड़ी बेहतरीन है। टेस्ट ड्राइव ली हमने, कंप्लीट ही ये गाड़ी हमने की थी, एक और हमारे पास नया प्रोजेक्ट आया मेहरान का, तो वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं वापस वर्कशॉप जाकर। अच्छा जी, तो ये जनाब है अल्टो VXR ऑटोमेटिक, इसमें जो हमने इंजन इंस्टॉल किया है वो इलेक्ट्रिक पैडल वाला, और थोड़ी हाईवे पे करके इसको थोड़ी सी भगाते हैं, क्योंकि इसकी हमने ट्यूनिंग और ऑयल चेंज और सारा कुछ कर दिया है, तो आपको इसकी पिक भी दिखाते हैं। फरीद भाई जी, क्या हालात हैं आपके, देख रहे होंगे मरा हुआ इंसान, इंसान ये रस्तों में जी समोसे पकौड़े देख के, समोसे पकौड़े देख के जो है ना फरीद भाई के हालात, ये मेरे लाजमी बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र है आज रोजा बड़ा अच्छा गुजर गया, गर्मी वाला रोजा नहीं था। ओके, भी आप ही कह रहे थे कि जेदी होता होगा आज, हाँ बिल्कुल। तो जी हम आ गए हैं हाईवे पे, एसी मैंने ऑन किया हुआ है, और इस वक्त तकरीबन गाड़ी जा रही है 50 में, और ये एसी ऑन है गाड़ी पर, मैंने सोचा चले एसी के साथ आपको मैं गाड़ी की ड्राइव देता हूँ, ताकि आपको पिक का अंदाज़ा हो जाए, इस इंजन की जो जान है उसका अंदाज़ा हो जाए। देख रहे हैं माशाल्लाह से एसी के साथ भी गाड़ी इतनी उठती है, और अगर एसी ऑफ करें फिर तो बला ही बनेगी। हम जी हैं इस वक्त एयरपोर्ट रोड पर,
वर्कशॉप की तरफ जा रहे हैं। तो ये जी आज का मैंने आपको दे दी है टेस्ट ड्राइव बल्टो की, और बाकी है कि मरला भी स्टार्ट हो गई है, उसको भी हम ऑन रोड करेंगे, उसकी भी टेस्ट ड्राइव आप लोगों से शेयर करेंगे। नया प्रोजेक्ट भी आया है, नया प्रोजेक्ट भी एक आया है, वो मैंने रात को शेयर किया आप लोगों से कल टेस्ट कर। तो एक और मेहरान का भी, बल्कि चले चलते हैं आपको वो प्रोजेक्ट भी दिखाते हैं, फिर वीडियो का एंड करेंगे। टाइम भी शॉर्ट, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, आधा घंटा रह गए, बिल्कुल ऐसे ही पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेते जी। तो आ गए हम वर्कशॉप, और खैबर में हमने इंजन लगा दिया है, ठीक हो गया। तो अभी सिर्फ हमने इसके दो फाउंडेशन लगाए हैं, पीछे के फाउंडेशन को कुछ सेट करना है हमने, और आगे भी एक आध देखेंगे फाउंडेशन की अगर ज़रूरत होगी। वैसे तो ये दो अच्छे खासे बड़े फाउंडेशन हैं, तो होपफुली पीछे एक फाउंडेशन लगेगा तो तीन फाउंडेशन हो जाएंगे और ज़रूरत नहीं होगी छोटे की, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि नया एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया है, ये रिस्टोरेशन है इसकी बॉडी की। इसके अलावा हमने इसको कन्वर्ट करना है 660 सीसी में, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि डेंट पेंट, पेंट देखेंगे कलर कौन सा होता है, ठीक है। तो बस अब अफ्तारी का टाइम है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।